ના આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીશું, ગ્રુપ સીએફઓ સંદીપ સિક્કા સાથે. અને ખાસ કરીને જે પ્રમાણેના આંકડાઓ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એક વખત પહેલાં એના ઉપર આપણે નજર કરી લઈએ. તો રેવન્યુઝ જો આપણને અહીંયા Q1ની અંદર આપણને સારા એવા ગ્રોથ થતા દેખાઈ રહ્યા છે, ઓલમોસ્ટ 100% સુધીનો ગ્રોથ છે. માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપર આપણે જોઈએ તો ત્યાં થોડુંક આપણને પ્રેશર આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. પેટ અત્યારે આપણે જોઈએ તો 103 કરોડ રૂપિયાની સામે 11 કરોડ રૂપિયા ઉપર આવતો દેખાયો છે, જ્યારે રેવન્યુઝ પર સારું મોટું એક્સપાન્શન પણ દેખાયું છે. મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ગયું છે, એમની સાથે વાત કરીએ કે કેવી રીતના અહીંયાથી આઉટલુકને જોવામાં આવી રહ્યું છે. સંદીપજી, સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. સબસે પહેલા સર એ સમજના ચાહેંગે, જિસ તરહ કે હમને આંકડે દેખે હૈ, ઇસ બાર જો માર્જિન ઓર પેટ મેં જો કટોતી આતી હુઈ દિખી હૈ, કોન સે ફેક્ટર્સ રહે ઇસકે પીછે? હેલો, આપકા વોઇસ થોડા કટ ગયા, કેન યુ પ્લીઝ રિપીટ? જી સર, સવાલ એ હતા કે ઇસ બાર માર્જિન મેં જો પ્રેશર દેખા હૈ, ક્યા ફેક્ટર્સ રહે યે માર્જિન મેં પ્રેશર દેખને કે પીછે, ઓર ક્યા આગે જાકે યહાં પે કિસ તરહ કે હમ સુધાર કી ઉમ્મીદ રખ સકતે હૈ? तो देखिए, ये जो क्वार्टर अगर हम देखें तो सेल्स के फॉर्मेट में तो सबसे बढ़िया क्वार्टर रहा हमारा. जनरली क्वार्टर वन इंडस्ट्री का थोड़ा सा ब्लीक रहता है आफ्टर क्वार्टर फोर, बट अगर हम देखें ओवरऑल बेसिस पे क्वार्टर वन जो परफॉर्मेंस सेल परफॉर्मेंस क्वार्टर फोर के बराबर था, तो अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा डिमांड है. बट जहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन हिट हुआ है वो है फ्लक्चुएशन इन दी PVC रेजिन प्राइसेस. तो क्योंकि जैसे सेल हमारा पाइप्स का इस क्वार्टर में 170 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में क्वार्टर फोर में 200 करोड़ था, तो थोड़ा सा जो रेजिन प्राइसेस में ड्रॉप आया है उसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन श्रिंक हुआ है. और दूसरा जो इनपुट फ्यूल प्राइसेस है जो सेंट्रीफ्यूज में यूज होता है हमारा, उसका रेट काफी बढ़ गया है लाइक नेचुरल गैस का, तो उसने थोड़ा सा मार्जिन को हर्ट किया. हमने प्राइस हाइक लिया है ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज एंड फॉसेट्स, बट आगे चलते हुए एक दो प्राइस हाइक और लेंगे अगर यू नो ये स्टेबल नहीं होता है. तो ओवरऑल आई थिंक मार्जिन एक क्वार्टर और देखने के बाद क्वार्टर थ्री में हमें लग रहा है कि काफी अच्छा रहेगा और डिमांड भी काफी अच्छी लगेगी. ओके सर, इसके साथ एक चीज़ और भी हम समझना चाहेंगे, रेवेन्यू में इस बार काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट आते हुए दिखे, और ओवरऑल अगर हम देखें तो इंफ्रा और रियल एस्टेट स्पेस में हमने काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिली है. तो रेवेन्यू आउटलुक क्या यहाँ पे और भी आगे ग्रो होता हुआ दिख रहा है, किस तरह के हम आउटलुक को लेके चल सकते हैं, और इसके चलते हुए पेट भी किस तरह से हम उम्मीद करके रख सकते हैं? हमने मार्केट में ब्रॉड गाइडेंस दिया था पिछली बार कि हम 18-20% का सेल्स ग्रोथ करेंगे ऑन ओवरऑल बेसिस ऑफ लास्ट ईयर. और हमने एक और गाइडेंस दिया था कि हम जो अपना बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है जिसमें सैनिटरीवेयर फॉसेट, हम मार्केट को आउटबीट करेंगे बाय द नॉर्मल ग्रोथ बाय ऑलमोस्ट 1.25 टू 1.5 टाइम्स. तो ये हम पिछले एक साल से होल्ड कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर, और जो हमने गाइडेंसेस दी थी उसी के हिसाब से सेल परफॉर्मेंस हो रहा है. जो मार्जिन गेम है वो शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस, बट लॉन्ग टर्म मार्जिन की जो स्टोरी है वो काफी कंसिस्टेंट लग रही है हमारे को, क्योंकि ये वॉलिटिलिटी तो थोड़े एक दो क्वार्टर में आयरन आउट हो जाएंगे एंड कोर मार्जिन विल कम अप इमीडिएटली. सर एक चीज़ और भी हम समझना चाहेंगे कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पे जिस तरह से आंकड़ों को देख रहे हैं, एक आउटलुक यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे कि खास करके जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है और खास करके जो सीजनालिटी का इम्पैक्ट है वो आप किस तरह से कैलकुलेट करके चल रहे हैं, किस तरह के हम सिनारियों को हम आगे जाके देख पाएंगे? क्योंकि एक बार हम देखें तो बिल्डिंग प्रोडक्ट और प्लास्टिक पाइप और पूरे जो आपके सेगमेंटियस वाइज रेवेन्यूज को देखें तो यहाँ पे हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है. अब यहाँ पे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का किस तरह का प्रेशर देखने को मिल सकता है क्या, या फिर यहाँ पे अभी जो प्राइसेस है वो कम हो रही है तो उसके चलते हुए ये सिनारियों को हम अभी नेगलेक्ट करके देख सकते हैं? सो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, गवर्नमेंट काफी सारे एक्शन ले रही है उसके ऊपर, बट हो सकता है एक आध क्वार्टर में कहीं हम फ्लिप कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया है तो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकॉज लाइक सैनिटरीवेयर फॉसेट और पाइप्स जो हिंदवेयर का प्रोडक्ट है और जो हिंदवेयर होम इनोवेशन किचन चिमनीज हैं वाटर हीटर्स हैं, ये रेगुलर कंजम्पशन आइटम नहीं है. सो इट इज वन ऑफ द फ्यू ईयर्स, ये कुछ सालों में लोग लगवाते हैं तो उनको जब वो पसंद आ जाती है तो प्राइस पॉइंट पे इतना ज्यादा वो फाइट नहीं होता है. बट एज कम्पेयर टू फूड आइटम और समथिंग एल्स यू नो जहाँ पे एक नॉर्मल इन्फ्लेशनरी प्रेशर डे टू डे हिट करती है, तो यहाँ पे पीपल गो विद मोर डिजाइन बिकॉज एक बार आपने सैनिटरीवेयर फॉसेट से कुछ लगा लिया वो काफी लंबा यूज होता है. तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर से इमीडिएटली कोई
अंडरलाइंग प्रेशर्स वॉल्यूम्स पे आएंगे हमारे यहाँ पे। ओके,